What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, दैट इज हेल्थ केयर, मेडिकल केयर। अब कनाडा के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, या फिर आपको वो इन्फ्लुएंसर्स भी मिल जाएंगे जो बोलते रहेंगे डू नॉट कम टू कनाडा, कनाडा से लोग जा रहे हैं, खुद इतने बैठे हुए हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। लेकिन लाइक्स एंड व्यूज़ के लिए बहुत कमेंट आते हैं, बहुत सारे वीडियोस ऐसे के आते हैं, उन सबको रखते हैं साइड पे। आज कुछ सीरियस मुद्दे की बात करते हैं और वो है कि यहाँ पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, उसकी रियलिटी क्या है। देखिए ऐसा, मुझे कनाडा में हो चुके हैं ऑलमोस्ट 10 साल और मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अच्छी है, कौन कौन सी बुरी हैं। अच्छी तो मैंने काफ़ी शेयर कर ली हैं, लेकिन अब मैंने एक ट्रैक बनाया कि जिसके अंदर मैं सारी जो डार्क साइड्स है चीज़ों की वो शेयर करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है हेल्थ केयर, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है जब आपने यहाँ पर आना है और क्या क्या इसके प्रिकॉशंस आपको लेने हैं ताकि आप इन चीज़ों को ओवरकम कर पाओ। हर चीज़ का सोल्यूशन ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक यू शुड बी अवेयर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं जी आज की वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ Canadian healthcare system. The latest Ontario health data shows the average wait time in ERs was 20 hours before the patient got a bed. We're short-staffed, we can't actually get people care. We've got growing backlogs. These are the final days of the Canadian healthcare system. All of us have been, you know, waiting for what will be the next pandemic. Obsession over cost cutting. Do you mean that provinces in general have been cutting costs to the detriment of All right guys, quick recap मारते हैं। अगर हम इंडिया के अंदर हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो जी डॉक्टर पर चल जाते हैं, क्लिनिक पर चले जाते हैं। विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर के अंदर मैक्स टू मैक्स आपको कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा और आपको देख लेगा, आपको दवाई मिल जाएगी। अब आ जाओ कनाडा के अंदर, सबसे पहला पॉइंट है जी वेटिंग टाइम का। कनाडा के अंदर अगर आप यहाँ पर आ गए हो और अज्यूम कर लो कि आपको बुखार है या आपका पेट ख़राब है या आपको वॉमिट्स आ रही हैं या कोई भी ऐसा सिम्टम है जिसके कारण आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप जाएंगे हॉस्पिटल। आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो आप क्लिनिक चले जाओ या हॉस्पिटल चले जाओ। क्लिनिक दिन में खुले होते हैं, रात में बहुत मुश्किल है, तो हॉस्पिटल ही जाते हैं मोस्टली लोग। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद जो वेटिंग टाइम है, जो एवरेज है कैनेडियन स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से, वो है 6 to 9 आवर्स। ऑन्टारियो के जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से भी ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है या कोई बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व हो सकती है या फिर आप पेन में हैं, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे वेट करना पड़ेगा एक जनरल डॉक्टर को देखने के लिए, और कई बार तो नर्स को देखने के लिए भी। फॉर एग्जांपल जब मेरे को एक बार किडनी स्टोन की पेन हुई थी तो मेरे को जाना पड़ा था हॉस्पिटल, तो नर्स को देखने के लिए मुझे 7-8 घंटे लग गए थे। उन्होंने फिर मुझे एक छोटी मोटी डिस्प्रिन टाइप गोली दी और उसके बाद डॉक्टर साहब आए 2-3 घंटे बाद। सवेर हो गई थी, मैं रात को 8 बजे गया था, सुबह 9 बज गए थे तब जाके किसी डॉक्टर ने मुझे देखा था। तो वेटिंग टाइम्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत आना कि आप एक डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हो तो आपको वो हार डाल के साथ में इंजेक्शन लगा देंगे, वो काम नहीं होना। अभी मेरे रिसेंट इंडिया ट्रिप पर मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, राइट पे 2 जनों ने मुझे इंजेक्शन लगाया, लेफ्ट राइट ख़त्म, 15 मिनट में मैं सेट होकर बाहर घूम रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपका पूरा पूरा दिन उड़ जाएगा, लोगों को शिफ्टें कैंसिल करनी पड़ती है, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, ठीक है, काम से इधर उधर होना पड़ता है। तो वेटिंग टाइम यहाँ पर 10-12 घंटे का है, मैं डरा नहीं रहा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जितनी बार भी गया हूँ ऐसे ही है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना। अगला पॉइंट शेयर करने से पहले जो मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स का, जो कि है नियो फाइनेंशियल। अब नियो वाले एक बड़ा ही मज़ेदार मनी कार्ड लेके आए हैं। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहते। बेसिकली सेविंग्स अकाउंट इसके अंदर आपका खुलेगा, उसके साथ आपको एक नियो मनी कार्ड मिल जाएगा। अब ये एक ऐसा डेबिट कार्ड प्रोडक्ट है जिसे आप किसी भी कैनेडियन बैंक के कार्ड साथ कंपेयर कर लो, कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड वाले सारे बेनिफिट मिलेंगे, डेबिट में गारंटीड अप्रूवल है, कोई आपका यहाँ पे क्रेडिट स्कोर नहीं चेक होना, सेविंग्स के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा, ऑफर्स भी बड़े मज़ेदार मिलेंगे, कोई डेट डुट का रोला भी नहीं है, और राइट वे अकाउंट खुल जाएगा, और रेफरल बोनस भी बहुत ही स्ट्रांग है। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लो, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करोगे तो आपको और पैसे मिलेंगे। जैसे मैंने पिछली बार लिंक शेयर किया था, बड़े सारे लोगों ने साइनअप किया, उन्होंने आगे अपने 5-5, 10-10 लोगों को रेफर किया, भाई उनका $250-$300 ऐसे ही बन गया। और इस चीज़ के अंदर कोई कैच नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इसके ऊपर स्टैंप लगा रहा हूँ, मैं खुद इस कार्ड को यूज़ करना शुरू
शुरू कर दिया हुआ है, तो चुप करके जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लो। नीचे लिंक दिया हुआ है, जस्ट गो एंड गेट योर नियो मनी कार्ड। मैं खुद इस कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई कैच नहीं है। ऐसे नहीं है कि भी ऐड वाले मेरे पास आए तो मैंने ऐड बना दी, ये वाकई में बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एक बार जाकर ज़रूर अप्लाई कर लो, और इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, नथिंग। लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है, गो साइन अप विद माई लिंक एंड गेट योर नियो मनी कार्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के टॉपिक में दोबारा चलते हैं। मेडिकल केयर की हम बात कर रहे थे। अगला जो पॉइंट है जी, वो है कि जो सिस्टम है पूरा, वो एकदम से इतना तगड़ा रेगुलेटेड इन्होंने किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अब मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं गया जी डॉक्टर पे, 8 घंटे वेट हुई। 8 घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे देखा, कहता भी काका तेरे ब्लड टेस्ट होने हैं। मैंने कहा जी ओके जी, कर दो ब्लड टेस्ट। कहता कर दो नहीं, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, एक्सरे और ब्लड टेस्ट, इसका रेफरल आपको दे रहा हूँ। वो एक पर्चा सा दे देते हैं, उस पर रेफरल लिख देते हैं, जाकर करवा लेना आप, अपॉइंटमेंट लो जाके। गैस करो अपॉइंटमेंट कब की मिली, नवंबर में मैं डॉक्टर को देखने गया हूँ, उसने मुझे ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट दी फरवरी की। और मैंने कहा भाई नवंबर में, मतलब 2 महीने बाद मेरा ब्लड टेस्ट होगा, और तब तक तो बंदा कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। कहते जी यहाँ तो फिर सरकारी में तो यही होगा, यहाँ प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ कवर कर लो, मैं प्राइवेट के भी आगे जाके पॉइंट्स कवर करूँगा। तो बेसिकली अगर आपको कुछ ऐसे का करवाना है जिसमें कि उनको लग रहा है कि भी हाँ ये बंदा मर नहीं रहा, 2-3 महीने का डिले है। इतना ब्यूरोक्रेसी इस सिस्टम के अंदर भरा हुआ है, इतना मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत स्लो है भाई काम। तो अगर तो आप इंडिया से आ रहे हो ना, तो अपनी अल्ट्रासाउंड ये वो सब करवा लेना। मैं पिछले हफ्ते इंडिया था, मैंने सारा कुछ चेक करा लिया अपना, क्योंकि यहाँ पर भाई कुछ नहीं चेक करते, और अगर करते हैं तब तक तो बंदा कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ख्याल रखना, अगर आपको कोई टेस्ट वेस्ट करवाने हैं, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई हेल्थ इशू अंडरलाइन आपको पता आपका है, तो फ्लाइट लेने से पहले भाई अच्छे से अपना पूरा सेटअप वेटअप करा के 1000 रिपोर्ट अपने साथ टैची में डाल के लेके आना। यहाँ पर कोई बात नहीं पूछता, अगर प्राइवेट इंश्योरेंस है तो जाके आपसे कोई बात करेगा। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि भी तेरा ब्लड टेस्ट ऐसे होना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्राइवेट इंश्योरेंस तो करा लेने। ब्लड टेस्ट करवाने गया, गैस करो कितने पैसे लगे मेरे, $525 ब्लड टेस्ट के, प्राइवेट इंश्योरेंस के ऊपर हो गया था। तो मेरी जो कंपनी थी जिनके साथ मैं जॉब कर रहा था, उनकी इंश्योरेंस इसको कवर करती है, तो 90% इंश्योरेंस ने कवर किया, 10% मुझे पे करना पड़ा। तो आई हैड टू पे लाइक $50-$60 एनीवेज, तो मेरा एक दिन में ही हो गया। जिनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है उनकी लाइफ फिर थोड़ी सेट है ये टेस्ट वेस्ट के मामले में, जिनके पास सरकारी है समझ लो अपने आप। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है जी आँखों और दांतों का। ये आँखें और ये दांत, जिससे आपने खाना और आँखों से देखना है, ये दोनों चीज़ें कवर्ड बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट इंश्योरेंस में जाके ये कवर्ड हो जाती हैं, सरकारी के अंदर ये कवर्ड नहीं है। तो भाई प्लीज़, अगर आपको कोई बोल ले कि कनाडा के अंदर हेल्थ केयर पूरा प्रोटेक्टेड है, नहीं जी ये चीज़ें कवर्ड नहीं है, तभी लोग इंडिया दांत अपने फिक्स कराने आते हैं या चश्मे वहाँ बनवाते हैं। यहाँ पर प्राइवेट के अंदर कुछ चीज़ें कवर्ड है, उसमें भी बड़ी ज़्यादा आगे जाके मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, बट ओवरऑल ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी हैं यहाँ पर, तो कवर्ड नहीं है। तो अगर तो कनाडा आ रहे हो भाई, ये आन के उनके 2 लेके आओ, ठीक है, या फिर अपने जो दांत है वो अच्छे से सेटअपेट करवा के आना, अपनी विजडम टूथ वूथ वहीं से निकलवा कर आना। अगर माड़ी मोटी दर्द भी हो रही है ना, तो डॉक्टर को बोलो कि एक बार चेक करके लगा दे कैप वैप। यहाँ पर अगर आप कैप लगवाने जाओगे ना, तो बंदा कैप लगवाने जाता है, उनके कपड़े मतलब वो कहते हैं कि दे के जाओ भाई हमारे को, आपसे बहुत पैसे ले लेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखियो कि ये बहुत महंगा काम है दोनों चीज़ों का, इंडिया से करवा के आना, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ जी, वो जा रहा हूँ जी अबाउट दवाइयाँ, मेडिसिन। यहाँ पर जो सरकारी इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्ट नहीं करती, कवर नहीं करती, तो वो आपको आउट ऑफ पॉकेट आपको एक्सपेंस देना पड़ता है। जिसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर फ्री में देख लेगा, आपकी सर्जरी वर्जरी भी कर देगा, साल चाहे लग जाए सर्जरी करवाने में, क्योंकि ब्लड टेस्ट को 2 महीने कर रहे हैं, तो उस चक्कर में कभी आपकी मान लो सर्जरी होगी, उसके बाद दवाइयाँ आपको खुद लेनी पड़ेंगी, या आपकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस है वो कवर करेगी, तो सरकारी वाली जो है वो कवर नहीं करती। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखियो कि दवाइयाँ अपनी इंडिया से लेके आनी है। दुनिया भर की दवाई अगर आप खरीद सकते हो खरीद लो। मेरे घर में तो मैंने फार्मेसी खोली हुई है, मेरे पास हर उस चीज़ की दवाई है जो आप सोच सकते हो। हर साल मैं वो दवाइयाँ रिव्यू करता हूँ, मैंने लिखी हुई हैं उनकी एक्सपायरी डेटें, जो ख़त्म हो जाती हैं, कोई इंडिया से आ रहा हो मैं बोलता हूँ भाई मेरे लिए दवाई ले आओ, क्योंकि दवाइयाँ यहाँ पर नहीं मिलती। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे भी ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको बहुत लाइट लाइट दवाइयाँ दे देंगे, एंटीबायोटिक तो यहाँ पर मिलता ही नहीं भाई, बहुत ही मुश्किल देते हैं, अगर कोई बंदा मर रहा हो उसको देते हैं। तो एंटीबायोटिक शायटिक सारे लेके आओ, इतने कुछ नहीं मिलना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तब भी नहीं वो देगा। तीसरी चीज़ ये है कि मान के चलो आपको कोई बड़ा स्पेसिफिक इशू हो गया जिसके लिए आपको स्पेशलिस्ट देखना पड़ेगा, वो तो भूल ही जाओ भाई, मेरा पेट खराब हुआ था वो ठीक नहीं हो रहा था यहाँ पे, मेरे को मेरी मतलब
मैं बता नहीं सकता कितने पापड़ बेलने पड़े एक गैस्ट्रो के डॉक्टर को देखने के लिए, रेफरल्स लेने पड़े, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। तो जो मैं गैस्ट्रो वाले के कोल गया, वो मुझे कहता है कुछ नहीं है जी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, पेट आपका ठीक है, कोई टेस्ट नहीं कुछ नहीं। इंडिया गया, उन्होंने मुझे 10 दवाइयाँ लिख दी, कहते जी ये हो गया वो हो गया, दवाइयाँ दवाइयाँ खाओ ठीक हो जाओगे। स्पेशलिस्ट का भी काम फेल ही है, ठीक है। इंडियन डॉक्टर को मिल जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि हे भगवान आपने मेरी सुन ली, क्योंकि इंडियन डॉक्टर बड़े एक्सपीरियंस होते हैं और उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। लेकिन अगर इधर उधर के आ जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है यार। तो प्लीज़ दवाइयाँ शाइयाँ सारी लेके आओ, अपना सारा टेस्ट करा के आओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये काम। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम। अब आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि भी यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। बाकी दवाइयाँ शाइयाँ लेके आना, इंश्योरेंस से लेके आना, बेस्ट टिप आपको यही है पैसे बचाने का भी। अगर आपको कोई इशू है तो भाई बहुत सीरियस हो के आओ, मेडिकल इज़ द ओनली चैलेंज। लाइक अभी अगर मुझे कोई बोले ना कि भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसके कारण अगर तुझे कैनेडा छोड़ना पड़े तो छोड़ेगा, तो ये मेडिकल वाला काम ही है। मेरे साथ अगर वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, यू कैन बुक माय कैलेंडर एंड टॉक टू मी। मेरे घर में अगर आकर रुकना चाहते हैं तो होम अवे फ्रॉम होम सर्विस ओपन है। मॉन्ट्रियल आ रहे हो कोई नहीं जानता, कोई चक्कर नहीं, अपने घर में आओ। यहाँ पर सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम आईडी @connectparul। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंश्योरेंस प्लान्स के ऊपर पूरे जो कनाडा के प्रोविंसेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो वो सजेशंस आप नीचे जाके कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है जी। अगेन चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।